हेलो दोस्तों, टेक आईटीआई में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम एक नया वैकेंसी लेकर आए हैं आपके सामने, जिसका नाम है मिधानी। जी हाँ दोस्तों, मिश्रा धातु निगम लिमिटेड के तरफ से वैकेंसी निकला है, जो कि यह हैदराबाद का वैकेंसी है और ये सरकारी जॉब है। जी हाँ दोस्तों, ये सरकारी जॉब वैकेंसी है। तो चलिए इसके बारे में पूरी जानकारी हासिल करते हैं। तो शुरू करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबा दें, ताकि आपको यहाँ से लेटेस्ट जानकारी मिलती रहे, जो भी नया अपडेट वैकेंसी आए उसकी। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पोस्ट जहाँ तक बात किया जाए, दिया हुआ है जूनियर ऑपरेटिव ट्रेनिंग JOT, जो कि फिटर ट्रेड वालों के लिए है, 13 सीट है। जूनियर ऑपरेटर ट्रेनिंग वेल्डर वालों के लिए है, जिसका 2 सीट है। और जूनियर ऑपरेटिव ट्रेनिंग इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए जो है, वो टोटल 6 पोस्ट है, जिसमें अदर कौन कौन सा है, जनरल के लिए 2 गो, EWS का 1 गो, OBC का 2 गो और SC का 1 गो है। जहाँ तक एज की बात किया जाए, तो अपर एज ऑलरेडी यहाँ में 30 दिया हुआ है। और पे स्केल की बात किया जाए, तो आपको 20,000 सैलरी मिलेगा। आगे अगर आप और ऊपर डिग्री हासिल किए हुए हैं, जैसे सीनियर ऑपरेटिव ट्रेनी मेट्रिकुलरी या फिर मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रिकल, ये डिप्लोमा वालों के लिए है, तो उनको 21,900 सैलरी है, उनका अलग अलग पोस्ट दिया हुआ है। चलिए अब ITI वालों के लिए देख लेते हैं कि क्या क्या है। ITI वालों के लिए आप देख लीजिए, फीटर ट्रेड वालों के लिए क्या चाहिए, मैट्रिक चाहिए प्लस ITI चाहिए प्लस NAC सर्टिफिकेट। NAC कहने का मतलब है नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट, यानी जो अप्रेंटिस किए हुए हैं वही इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो देख लीजिए, समझ जाइए कि अप्रेंटिस वालों को कितना अच्छा अपॉर्चुनिटी आ रहा है, यानी बहुत सारे वैकेंसी में अप्रेंटिस खोज रहा है। यानी अगर आप अप्रेंटिस किए हुए हैं तभी आप इस फॉर्म को भरिएगा। दूसरा है वेल्डर वालों के लिए, मैट्रिक प्लस ITI वेल्डर ट्रेड से प्लस में सर्टिफिकेट, कौन सा, अप्रेंटिस का। इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए क्या है, मैट्रिक प्लस ITI इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से प्लस NSC सर्टिफिकेट। उसके बाद डिप्लोमा वालों के लिए भी नीचे देख लीजिए, डिप्लोमा वालों का नीचे दिया हुआ है, अगर कोई डिप्लोमा वाले हैं तो इस फॉर्म को देख लेते हैं। आगे अब क्या है इसमें क्राइटेरिया, कि आपका रिटर्न एग्जाम होगा, कितना नंबर का, 100 मार्क्स का होगा, रिकॉन्ड 2 85 मार्क्स, क्वालिफाइंग होगा 15, ट्रेड टेस्ट में पास या फेल, उसके बाद टोटल आपका हो जाएगा यानी 50 या प्लस 15, क्वालिफिकेशन से आपका 15 नंबर और 85 नंबर रिटन टेस्ट है, 100 नंबर का मार्क्स हो जाएगा, निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। उसके बाद आगे और देख लीजिए कंडीशन क्या है, वह ओनली इंडियन नेशनल में अप्लाई, यानी जो इंडियन है वही अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद इसका लास्ट डेट, स्टार्टिंग डेट देख लीजिए, एक्सपेंस सिचुएबल एबव टू द 18-10, एज आपका देखा जाएगा कब तक, 18-10 तक। जहां अप्लाई का फॉर्म का बात किया जाए, तो कब तक है देख लीजिए, यहां पर 18-10 से लेकर के आपका 1-11 तक। जी हां दोस्तों, 1-11 तक लास्ट डेट है, यानी 1 नवंबर तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो जितना जल्दी हो सके आप इस फॉर्म को भर दें, इंतजार न करें। इसका वेबसाइट दिया हुआ है, देख लीजिए, यही वेबसाइट दिया हुआ है, www.midhani-india.in, इसी पे जाकर के आपको फॉर्म को भरना है। उसके बाद देख लीजिए, मीडियम ऑफ रिटन प्रैक्टिकल टेस्ट विल बी इंग्लिश, यानी आपका एग्जाम भी जो होगा वो इंग्लिश मीडियम में ही क्वेश्चन रहेगा। तो दोस्तों ये थे लेटेस्ट अपडेट, ये लेटेस्ट जानकारी देना था। और भी देख लीजिए, फिर से यहाँ में दिया हुआ है 18-10 से लेकर के आपको 1-11 शाम 5 बजे तक ही फॉर्म अप्लाई करना है। तो जितना जल्दी हो सके फॉर्म को अप्लाई कर ले। तो दोस्तों और एक चीज़ और कि इसमें फॉर्म का फी जो लगेगा वो 100 रुपया लगेगा। जी हाँ दोस्तों, 100 रुपया आपका चार्ज दिया गया है, आप क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग से आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। जय हिंद।